जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जीवन ऑक्शन हाउस में होता है और अब शायद किसी प्रीसियस आइटम की बोली लगने वाली होती है और हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसके आसपास व्हाइट फ्रेम्स निकल रही थी। शायद इसमें कोई पिल्स थी। उसे देख के जियोयान समझ जाता है कि यह 7 ट्रायर की पिल है। तभी जियोयान के टीचर बताते हैं कि इसे रिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है और अगर ये रिफाइन होती है तो हेवन और अर्थ के हमें विजन भी दिखाई देते हैं। यहाँ हर कोई ग्रैंड मास्टर है और वो हर कोई इसे लेना चाहेगा क्योंकि इससे उनका लेवल अप और कल्टिवेशन फास्ट हो जाएगा। तभी पिल का बॉक्स ओपन होता है और उससे एक पिल निकलती है। सब उस पिल को देखते हैं। इस पिल का नाम होता है इन एन यान पिल। पिल के खुलते ही यावलाव को कुछ होता है जिससे जियान उनके उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ। तो यावलाव कहते हैं कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई इस पिल को ख़रीदना चाहता था पर नॉर्मल कोई भी इंसान इसे ख़रीद नहीं सकता था। तभी होस्ट बताता है कि एक ड्रैगन मास्टर जिसको मरे हुए अभी 6 या 7 दिन हुए हैं उसके द्वारा ये उसके उससे ये पिल बनाई गई है। साथ ही होस्ट ये भी बताता है कि इन एन यान पिल सिर्फ एबिलिटीज ही नहीं बढ़ाता है, साथ में और भी पावर्स देता है। इसके बाद होस्ट एक एग्जांपल देता है। एक इंसान जो बहुत स्ट्रांग है वह पहले सभी से हार जाता था लेकिन फिर उसने इन एन यान पिल को लिया और उसके 7 साल बाद उसने उसे मार दिया जिसने उसे हराया था। वह सिर्फ ये बताना चाहता था कि यह पिल कितनी स्ट्रांग है। ब्लड सेक्ट का जो चीफ था वह यह समझ जाता है कि यह पिल कितनी स्ट्रांग है और वह यही चाहता है कि अब यह पिल सिर्फ उसकी हो। तभी होस्ट हमें बताता है कि इस पिल को लेने के लिए आपके पास सिर्फ पैसे ही नहीं होने चाहिए बल्कि उसके पास एक चीज़ और होनी चाहिए। तभी स्नेक सेक्ट की चीफ कहती है कि इस पिल को तो सिर्फ मैं ही लूँगी। ब्लैक स्कल टॉम भी इसको लेना चाहता है तो होस्ट कहता है कि जो भी ज़्यादा पैसे देगा ये पिल उसी की होगी लेकिन इसके लिए आपके पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तभी टीचर जियोन से कहते हैं कि अब यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा है मुझे, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है इस पिल को लेके इन लोगों के बीच में लड़ाई हो और हमें इस लड़ाई का पार्ट नहीं बनना है, हमें अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखनी है। तो जियोन वहाँ से उठता है और जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो उसे ऑप्शन में खरीदी गई चीज़ों के और उसके पैसों के लिए एक कार्ड और एक रिंग देता है। जियान उन्हें लेता है, अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और जाने लगता है। तभी वो व्यक्ति उसे रोकता है कि आपकी जो पिल्स हैं बहुत अच्छी थी और हमारे हेड आपसे मिलना चाहते हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनसे मिल लीजिए। तो जियान कहता है कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे पास और भी काम है लेकिन मैं जब समय होगा तो मैं आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। तभी वो व्यक्ति अपने हेड के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि इसने 3 लाइन स्पिरिचुअल पिल बनाई है, ये कोई आसान बात नहीं है, ये एक अच्छा एल्केमिस्ट है, हमें इसका पीछा करना चाहिए, और कहता है कि आज जाओ और जियोयान का पीछा करो। और फिर उसे कहता है कि इन एरियान पिल को स्नेक ट्राइब को दे दो क्योंकि उन्होंने इसे खरीद लिया है। इसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें जियोयान दिखाया जाता है जो मार्केट में था। तभी मास्टर जियोन को बताते हैं कि तुम्हारे कुछ लोग पीछा कर रहे हैं जिससे जियोन अपना चोगा उतार देता है जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद जियोन अपना ब्लैक चोगा फिर से पहन लेता है। इसके बाद मास्टर जियोन को बताते हैं कि अगर तुम्हें वो मैप का टुकड़ा हासिल करना है तो हमें सही टाइम का इंतज़ार करना होगा, इसके लिए अभी वेट करो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे इन और यान पिल स्नेक ट्रैप को मिल गई थी और वो लोग बड़ी सावधानी से जा रहे थे क्योंकि उनके पास एक बहुत कीमती चीज़ थी, वो थी उनकी पिल, इसलिए वो चारों तरफ देख रहे थे और सावधान भी बहुत थे। वो सभी बहुत अलर्ट थे बट कुछ बैट थे जो उनके ऊपर नज़र रखे हुए थे। वो तेज़ी से अपने सेट की तरफ दौड़ रहे थे लेकिन तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और वो थोड़ा सा अलर्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है या आसपास कोई है। तभी चीफ अपनी एक फॉर्मेशन से स्नेक क्रिएट करके आगे भेजती है तो वहाँ ब्लड सेक्ट का हमें सेनापति दिखाया जाता है जो स्नेक सेक्ट के ऊपर तीर चला देते हैं और वहीं उनके बीच एक आइकॉनिक फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्नेक सेक्ट की चीफ वहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करके उन तीरों से सबको बचा लेती है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। इनके पास अपनी अपनी डिवाइन पावर्स और एबिलिटीज थी जिसके कारण ये एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। तभी ब्लड सेक्ट का सेनापति कहता है कि आप मुझे वो पिल दे दीजिए, हम आपको यहाँ से ज़िंदा जाने देंगे, लेकिन वह मना कर देती है जिसके कारण फाइट स्टार्ट हो जाती है और ब्लड सेक्ट पावरफुल होने के कारण स्नेक सेक्ट को मार रहा था। स्नेक सेक्ट की चीफ को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे सारे लोग या तो घायल हो गए थे या आधे तो मर गए थे। ब्लड सेक्ट का चीफ उसे एक बार फिर कहता है कि आप मुझे ये पिल दे सकती हैं लेकिन वह फिर मना कर देती है और उसकी बात नहीं सुनती है।
और अपनी तलवार लेकर सेनापति के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ हमें जियान भी दिखाया जाता है जो दौड़ के जा रहा होता है कहीं पे। याओ लाओ ने महसूस किया था कि आगे कुछ पावरफुल लोग हैं, इसीलिए उन्होंने जियान को सट जाने के लिए कहा था, बट सावधानी रखने को भी कहा था। स्नेक सेक्ट की जो चीफ थी वो बहुत पावरफुल थी। वो अपने एक फॉर्मेशन से एक स्नेक क्रिएट करती है और काफ़ी सारे लोगों को मार देती है और सेनापति की तरफ भी बढ़ती है। सेनापति भी एक शील्ड क्रिएट करता है और स्नेक सेट की चीफ की पावर से बचने की कोशिश करता है, बट स्नेक सेट की चीफ पावरफुल थी जिसके कारण सेनापति हार जाता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे बैट आ जाते हैं जो स्नेक सेट के लोगों पे अटैक कर देते हैं और चीफ पे भी अटैक करते हैं। उसी मौके का फ़ायदा उठा के सेनापति एक ब्लड फॉर्मेशन क्रिएट करता है और स्नेक सेट की चीफ पे अटैक कर देता है जिससे वो घायल हो जाती है। फिर हमें फैंगलिन के फादर दिखाए जाते हैं। स्नेक सेक्ट की चीफ पूछती है कि आप चाहते क्या हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमें इन और यांग फील्ड सौंप दो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। जियान भी ये सब देख रहा होता है, मास्टर ने उसके ऑरे को हाइड कर दिया होता है ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चले। फिर हमें फैंगलिन दिखाया जाता है जो कहता है कि अब तो हमें ये गोली मिल ही जाएगी और ये पिल सिर्फ मेरी है, इसे मुझे सौंप दो। स्नेक सेक्ट की चीफ उस पिल को निकालती है और कहती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी, अगर ये पिल मेरी नहीं हो सकती तो ये मैं तुम्हारी भी नहीं होने दूंगी। तभी फैंगलिन के फादर उसे रोकते हैं और कहते तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब वो डिस्ट्रॉय करने लगती है पिल को। तभी वो ग्रेट चीफ उसके पास जाकर एक अपनी स्पीड से एक अटैक करता है और वो बॉक्स उससे ले लेता है और अपने बेटे को बॉक्स दे देता है और वहाँ से जाने को कहता है और खुद स्नेक सेक्ट की उस लेडी से लड़ाई करने लगता है। ब्लड सेक्ट के सभी लोग ग्रेट चीफ का ऑर्डर फॉलो करते हैं और ब्लड सेक्ट की तरफ जाने लगते हैं। जियान उन्हें देख रहा होता है। मास्टर कहते हैं तुम्हें उनका पीछा करना है और सही समय का इंतज़ार करना है। जियान स्नेक सेक्ट की साइड देखता है, वह उसकी हेल्प करना चाहता है लेकिन मास्टर उसे मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम अभी उतने कैपेबल नहीं हो, इसलिए तुम्हें चलना चाहिए। ब्लड सेक्ट के लोग ब्लड सेक्ट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक सैनिक आता है और बताता है आगे ब्लैक स्केलेटन टाउन है। ये सुनते ही फैंगलिन के मन में लालच आ जाती है। वह सोचता है कि क्यों ना हम इन्हें भी लूट लें और इनसे 3000 लाइटिंग मूवमेंट ले लें, इससे मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। तभी सैनिक उन्हें बताता है कि वहाँ पर सिर्फ 6 ही लोग हैं जिसमें से 4 बॉडीगार्ड हैं और 2 मेन लोग हैं जिन्हें हमें लड़ना पड़ेगा। और वो ब्लैक स्केलेटन टाउन की तरफ जाने का इरादा बनाते हैं और उनकी तरफ जाने लगते हैं। तभी एल्डर उन्हें रोकता है और कहता है कि हमारा काम सिर्फ इंक और यैन पिल को लेना था और वो हो चुका है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो चीफ कहता है मेरा ऑर्डर है ये कि हम वहाँ जाएंगे और क्या आपको डर लग रहा है, मुझे 3000 लाइटिंग मूवमेंट चाहिए है। और वहाँ से चले जाते हैं। तो टीचर जियान को कहते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में हमें फ़ायदा होगा और हमें बस सही टाइम का वेट करना है, जाओ और उनका पीछा करो। इसके बाद हमें ब्लैक टाउन और ब्लैक स्केलेटन टाउन की फाइट दिखाई जाती है। और जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक स्केलेटन टाउन पावरफुल है, इसीलिए वह ब्लैक स्केलेटन टाउन को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी ब्लैक स्केलेटन टाउन का चीफ मुंह वहाँ से भागने लगता है लेकिन ब्लैक स्केलेटन टाउन का सेनापति उसे पकड़ लेता है। मुंह कहता है कि अगर आप हमें मार देंगे तो हमारा सेक्ट जरूर आएगा आपसे बदला लेने। तो सेनापति कहता है कि उन्हें बताएगा कौन कि हमने तुम्हें मारा है। ब्लैक स्केलेटन टाउन का चीफ उसे मार के 3000 लाइटिंग मूवमेंट के लिए ले लेता है। तभी वह जियान को भी नोटिस कर लेता है, उसकी तरफ एक चाकू फेंक के बताता है। जियान एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसके सामने आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। लाइक शेयर।